स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। मेरा नाम है सलमा खान और आज हम करेंगे मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले इन क्वेश्चन से, जैसे कि सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूले, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हमारा वी माइनस यू बाय टी। इक्वेशंस ऑफ मोशन करे थे हमने लास्ट लेक्चर में, कौन कौन से इक्वेशंस थे? पहला था वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। तो हमें ये देखना है कि क्या क्या नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है कि इसके अंदर डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, सेकंड इक्वेशन होगी तो फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, और थर्ड होगा तो वो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब हमें देखना है कि न्यूमेरिकल्स में कौन सी वैल्यूज गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। कुछ बातें और बताई थी जो न्यूमेरिकल्स करते हुए ध्यान रखनी है। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ऐसे केस में हमेशा यू जीरो हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट है तो ऐसे केस में वी हमेशा जीरो हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो हो जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। एक बस जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मेंशन है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद हमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विच मीन्स वेलोसिटी ऑफ कोर्स चेंज हो रही होगी, तभी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो रेस्ट से स्टार्ट करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। ध्यान रखना है SI यूनिट का। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन में सेकंड गिवन है तो टाइम को भी हमें सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन वैल्यूज लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू हो जाएगा हमारा 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन गिवन है हमें 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम गिवन है हमें 2 मिनट्स, हमें चाहिए ये सेकंड्स में, कितना हो जाएगा 120 सेकंड्स। कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है? कैलकुलेट करने को कह रहा है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? जो वेलोसिटी, जो स्पीड उसने एक्वायर कर ली। मतलब अगर ये 2 मिनट्स चल रहा है और इसका एक्सेलरेशन 0.1 रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी इतने टाइम में कितना एक्वायर कर लेगा, मतलब उस पॉइंट पर पहुंचेगा जब 2 मिनट हो चुके होंगे तब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अगर हमें यू ए और टी दिया हुआ है तो हमें देखना है कि कौन से वेलोसिटी की हमें, कौन से फॉर्मूले की हमें जरूरत है। हम देख सकते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी हमें कैलकुलेट करना है, यू इज जीरो, ए है 0.1 और टाइम हो गया हमारा 120। फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब इतने ही टाइम पीरियड के अंदर वो इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस की बात करते हैं। अब हमारे पास वी यू ए और टी है और हमें एस की जरूरत है। ये सारी वैल्यूज कहाँ इंक्लूड है? हम इसको सेकंड में भी पुट कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो, टाइम इज 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन गिवन है 0.1 एंड टाइम इज 120 का स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारी जीरो। एस कितना आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे, 6 विच इज 720 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये इनिशियली हमें गिवन है कि ट्रेन ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है, मतलब रेस्ट पे नहीं है। रेस्ट पे नहीं है तो यू जीरो नहीं होगा, उसके पास अपनी कोई वेलोसिटी है जिस स्पीड से वो ऑलरेडी चलकर आ रहा है। वो वैल्यू हमें दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। तो 90 किलोमीटर पर आवर क्या वैल्यू हो गई हमारी? यू की वैल्यू हो गई। ब्रेक्स आर अप्लाइड, मैंने बताया था
कि जब भी ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बाद में आ गया, चाहे वो ब्रेक्स अप्लाई करके हो या फिर कोलाइड विद समथिंग हो गया। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कम्स टू रेस्ट, तो इस तरह के केस में हमेशा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी जीरो। तो अगर ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं सो दैट टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब वो डिक्रीज हो रहा है, जब उसकी स्पीड घट रही है, तब वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, 90 से 0 पे आ रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और वो एक्सेलरेशन दिया हुआ 0.5। व्हाई इट इज नेगेटिव? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। जब फाइनल वेलोसिटी कम होगी, वैल्यू स्पीड उसकी डिक्रीज होने लगेगी, तब वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। हमें रिटार्डेशन की भी वैल्यू दी हुई है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, हमें बताना है कि ब्रेक अगर अप्लाई कर दिया गया है तो कितनी दूर जाके वो रुकेगा। ऐसा तो है ना कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा है और वो बहुत स्पीड से आ रहा है तो ब्रेक लगाते ही वो नहीं रुकेगा, वो उस पॉइंट पे जहां हमने ब्रेक अप्लाई करा है वहां पे जो वेलोसिटी है उसके बाद वो जीरो तक आने के लिए एक टाइम पीरियड लेगा, और उस टाइम पीरियड के अंदर वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर करेगा। हमें वही निकालना है कि वो कितनी दूर जाके रुकेगा रेस्ट पे आने के लिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स यू गिवन है हमें 90 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले वैल्यूज देखेंगे, यू की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, किसी भी एक की चेंज कर लेते हैं। अगर यू की चेंज करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर इज 90 शॉर्टकट 5 बाय 18 से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आएगा, विच मीन्स वी की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। हमें देखना है कि वो कितनी दूर ट्रेवल कर आएगा इतना पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें टाइम नहीं गिवन है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अगर इक्वेशन में टाइम नहीं है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कौन सी है हमारी, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जिसमें हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज पुट करते हैं, 0 माइनस 35 का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन इज माइनस 0.5, नेगेटिव साइन मेंशन करना जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। यहां आ जाएगा 25 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू में s। नेगेटिव साइन क्यों मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अब यहां पे जब नेगेटिव की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो उससे हमें डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, जो कि पॉजिटिव ही होनी चाहिए। एस कितना आ जाएगा, 225 2 इंटू 0.5। डेसिमल जो जैसे भी कैलकुलेट करता है उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करते हैं, या सिंपली अगर मैं यहां से हटा के डेसिमल इस फॉर्म में लिख देती हूँ तो हमारे पास आता है 25 इंटू 25 विच इज 625 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा हमारा 625 मीटर, ठीक है। ऐसा ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो इंक्लाइंड प्लेन है और यहां हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो इनिशियली वो कैसा होगा, वो रेस्ट पे रहा होगा। अगर वो रेस्ट पे रहा होगा तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो इस केस में हमें यू गिवन है, टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विच मीन्स यू 0, यहां पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम गिवन है हमें 3 सेकंड्स। हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकंड जब वो चला जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, विच मीन्स हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। वी यू ए और टी को यूज करके कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं करेंगे।
u इज जीरो, एक्सेलरेशन टू विच इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन गिवन है, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही होगी. एक्सेलरेशन हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट. सिमिलर क्वेश्चन है ये. आफ्टर स्टार्ट अगर कह रहा है तो इनिशियली ये रहा होगा रेस्ट पे 0 मीटर पर सेकंड. टाइम गिवन है 10 सेकंड्स. एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमसे पूछा है व्हाट डिस्टेंस. ए भी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें निकालना है एस. तो देखेंगे एस यू ए और टी की कौन सी इक्वेशन है. इसके अंदर क्या मिसिंग है? इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है. वी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इक्वेशंस अगर हम देखते हैं तो किस में वी नहीं होता है? वी नहीं होता है सेकंड इक्वेशन में. एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे. 0, 10, हाफ एंड ए इज 4, 10 इंटू 10. ये पूरी टर्म हो गई है 0. यहां पे आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर्स. क्लियर? तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. अगर ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें? फाइनल वेलोसिटी 0 मिलेगी. रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रिटार्डेशन गिवन है यानी हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है. तो ए दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें निकालना है यू. ए इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम गिवन है हमें 10 सेकंड्स. अप्लाइड ब्रेक्स, ब्रेक्स अगर अप्लाई कर दिए गए हैं तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. हमसे पूछा है यू कितना होगा. फिर से देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं इजीली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है और सेकंड और थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हमें की हमें रिक्वायरमेंट है. तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वी इज 0, यू हमें कैलकुलेट करना है. ए इज माइनस 2.5, नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे. यू की वैल्यू ये 0 और ये टर्म इधर आ जाएगी. क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट देखते हैं. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है. कह रहा है इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकंड्स. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियली उसके पास कोई स्पीड नहीं है, तो यू मिल जाएगा हमें 0. टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2 सेकंड्स. एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर. हमें डिस्टेंस निकालना है. तो वैल्यूज देखेंगे, पुट करेंगे फटाफट से. एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनिशियली रेस्ट से था तो 0 मीटर पर सेकंड. और क्या गिवन था? टाइम गिवन है 2 सेकंड्स. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मच डिस्टेंस विच मीन्स एस. तो आप देखेंगे एस यू ए और टी वाली कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्वेश्चन में कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है और इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन होती है? सेकंड इक्वेशन होती है. वैल्यूज पुट करेंगे प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम इज इंटू 2. ये पूरी टर्म हो गई 0. कैंसिल. हमारे पास आ रहा है 20 मीटर्स. डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा 20 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. मूविंग विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली वो इस स्पीड से ऑलरेडी जा रहा था. ये हमें क्या मिल गया? ये हमें यू मिल गया. टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है. किस रेट से? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इसकी एक्सेलरेशन है.
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम. हमें बताना है कि 10 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी मीन्स उस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हम मान सकते हैं, v की वैल्यू क्या होगी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, और हमें कैलकुलेट करना है s. तो एक एक करके करेंगे. सबसे पहले मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है u 5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन गिवन है हमें 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स. पहले कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, 10 सेकेंड्स के बाद इसके पास क्या वेलोसिटी रही होगी, और फिर कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट कि वहां तक पहुंचने में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा. तो पहले ये देखते हैं v, u, a और t. कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी 0.2 इन टू में 10 विच इज 5 प्लस 2 v आ गया हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड. अब जब v भी आ गया है, u, a और t की वैल्यू दी हुई है, तो s के लिए हम सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कोई से भी यूज कर सकते हैं. अगर हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं तो s इज u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u है 5, टाइम है 10, a है 0.2 एंड 10 इन टू 10 50. यहां मिलता है हमें ये वैल्यू है 2 और ये भी है 2, 2 से 2 कैंसिल, बचता है 10. डिस्प्लेसमेंट कवर कितना आ जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 60 मीटर्स. सिमिलर ही है ये क्वेश्चन, देखते हैं व्हाई डिडंट ट्रैवल इन दिस टाइम. अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड्स. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे SI यूनिट का डिफरेंस है. हमें यहाँ पे स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और टाइम गिवन है सेकेंड्स में. तो कैलकुलेशन के लिए हमें SI यूनिट को कन्वर्ट सेम करना पड़ेगा कन्वर्ट करके. क्या इजी रहेगा अगर मैं इसे चेंज कर दूं? तो अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ये क्या दिया हुआ है? ये हमें यू दिया हुआ है. इनिशियल स्पीड दी हुई है, यू गिवन है हमें 18 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? इजीली 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई. कितना आ गया ये हमारे पास? 5 मीटर पर सेकंड. टाइम गिवन है हमें 2.5 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. अगर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? वी जीरो आ गया. वी मिल गया हमें 0 मीटर पर सेकंड. टाइम गिवन है हमें 2.5 सेकंड्स. देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से. ऑब्जेक्ट बाद में रेस्ट पर आया है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा. और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें एक ही वैल्यू वैसे भी नेगेटिव ही मिलेगी. फॉर्मूला देखते हैं एक्सेलरेशन का, वी माइनस यू बाय टी. वी हमारे पास है 0, यू है 5 एंड 2.5. कितना आएगा ये? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और क्वेश्चन में भी मेंशन है कि वो हम निकाल रहे हैं रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो जब भी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल से कम होगी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेगा रिटार्डेशन. इस क्वेश्चन को देखते हैं. चीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियली क्या हो गया? 0. एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और टाइम गिवन है 10 सेकंड्स. तो पहले हम वैल्यूज गिवन वैल्यूज लिखेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकंड. टाइम गिवन है 10 सेकंड्स और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी. हमें पहले v निकालना है. v कैसे निकालेंगे? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सिंपल, u है 0, वैल्यूज ही पुट करनी है हमें. और नेक्स्ट कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड.
डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अब हमें एस की जरूरत है। तो जब हमें वी यू ए और टी सारी वैल्यूज दी हुई है तो हम सेकेंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन कोई से भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन पुट करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू गिवन है हमें जीरो, टाइम इज 10 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन इज 2 एंड टाइम इज 10। ये टर्म अगेन जीरो, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 मीटर्स, वी है 20 मीटर पर सेकेंड। बस इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अगेन जब भी वो बता दिया गया है कि वो ट्रेवल ही उसी स्पीड से कर रहा है तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यू की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। हम लिखेंगे गिवन वैल्यूज, यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या गिवन है, गिवन है एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा सीधा हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम, कितनी दूर ये चला जाएगा इस टाइम इंटरवल के अंदर, हमें क्या निकालना है इसका मतलब कितना ट्रेवल करेगा। तो ये हमें क्या निकालने को कह रहे हैं, डिस्टेंस निकालने को कह रहे हैं। एस यू ए और टी क्या देखना है, क्या नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वी नहीं है, वी के इंडिपेंडेंट कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकेंड इक्वेशन लगेगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0.5, टाइम इज 30 इंटू 30, कैलकुलेट करो। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 15 15 2 15 2 25, विच इज 825 मीटर्स। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ साइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। अगेन अगर वो उसी स्पीड से ट्रेवल ऑलरेडी कर रहा है तो वो वैल्यू हमें क्या दी होगी, वो हमें यू दी हुई होगी, यू गिवन है हमें 15 मीटर पर सेकेंड। शी अप्लाइज ब्रेक सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद अ वॉल 18 मीटर अवे। एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और वहां से 18 मीटर दूर पे कोई वॉल है, जब उसने यहां ब्रेक लगाया तो ये कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं कि वो बिना कोलाइड हुए जस्ट उससे पहले पहुंच के रुक जाती है, तो हमें यही कंडीशन दी हुई है कि यहां ब्रेक अप्लाई किया और 18 मीटर दूर वहां पे वॉल है, तो यहां से यहां तक का हमें वैल्यू दी हुई है कि कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। व्हाट डी एक्सेलरेशन मस्ट शी हैव। अब वो किसी स्पीड से आ रही है, उसने ब्रेक अप्लाई करा, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, क्या प्रोड्यूस करेगा ऑब्जेक्ट, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, हमें वही डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, यू हो गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई किया है ताकि वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाए, कहां जाके, कहीं भी जाके रुके, तब वी की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। कहां जाके रुकना है, 18 मीटर दूर जो वॉल है हम मान लेते हैं क्योंकि और कोई एक्सेप्शन केस तो है नहीं, तो हमें यह मानना है कि ऑब्जेक्ट वॉल से जस्ट पहले जाके रुकेगा, तो डिस्टेंस इतने में कितना कवर कर लेगा, 18 मीटर। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कितना वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। वी यू ए और एस क्या नहीं है इसमें, टाइम नहीं है, टाइम के इंडिपेंडेंट कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। वैल्यूज पुट करो, 0 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 2a इज कैलकुलेट करना है एंड s इज 18। यहां पे माइनस में ही वैल्यू आ रही है वैसे तो, यहां वैल्यू डेसिमल में आएगी हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई।
और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गए, एक ग्राफ का क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफिकली, जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का, ये वेलोसिटी और ये है टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व देता है हमें डिस्टेंस कवर्ड। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन, ये हमें दिया हुआ है, ये रहा टाइम एक्सिस, ये रहा वेलोसिटी एक्सिस। कह रहे ऑब्जेक्ट पहले ए से बी पे गया है और बी से वापस यहाँ पे आ गया है, ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट एक्चुअली। तो ए से बी पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और बी से वेलोसिटी जो 40 पे थी वो आ गई है 0 पे, और टाइम कितना हो गया है 45 सेकंड्स। हमसे पूछ रहा है स्टेट द काइंड ऑफ मोशन दैट ऑब्जेक्ट हैज फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी। सबसे पहले हमें बताना है कि किस तरीके का मोशन कर रहा है जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है। पहले ए टू बी देखते हैं, ए से बी पे वेलोसिटी रही है 40। अगर वेलोसिटी सेम है, अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं हुआ है। अगर स्पीड चेंज होगा तो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू में भी वेरिएशन आएगा, पर यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। तो ए टू बी ये कौन सा मोशन हो गया? ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ए टू बी क्या कर रहा है? ये कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम बी टू सी, बी से सी पे जा रहा है, बी से सी पे क्या हो रहा है? ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगा? डी एक्सेलरेशन। और ये लाइन कैसा है? ये स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये कर रहा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि कहां पे ऑब्जेक्ट के पास जीरो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। अगर v और u की वैल्यू ही सेम हो गई तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। विच मीन्स हमें देखना है कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट है। वेलोसिटी इस ग्राफ में कहां से कहां तक कांस्टेंट है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। डिक्रीज में भी वो वैल्यू कांस्टेंटली चेंज हो रही है। कांस्टेंट कहां से कहां तक है? ए से बी तक है। तो हमसे कह रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन कहां से होगा? जीरो एक्सेलरेशन होगा ए टू बी के बीच में, ये रहेगा एक्सेलरेशन हमारा जीरो। वाई? रीजन क्या दोगे? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो आएगा इन लीनियर मोशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसी ग्राफ में हमें देख के बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। नेगेटिव कब हो सकती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, क्योंकि एक्सेलरेशन है हमारा v माइनस यू बाई टी। अगर v की वैल्यू कम होगी और u की वैल्यू ज्यादा होगी तभी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। यहां पे हम देख सकते हैं कि v से c पे जब ये जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, तो जहां वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। विच मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन कहां से कहां पे है हमारा? v से c पे है। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिख सकते हैं कि क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होती आ रही है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये रिटार्डेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।